छात्रों द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। जहां सूर्य की किरण हो वही प्रकाश होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो वही परिवार होता है, वही परिवार होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं एक छोटी सी संगीतमय प्रस्तुति के साथ आप सभी का इस सभा में तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। आज इस नाटक के माध्यम से मेरे साथी आपको यह बताना चाहेंगे कि धरती पर प्रदूषण का स्तर कितना ज्यादा बढ़ गया है। हाँ महक, यह हम सबका जानना बेहद जरूरी है, और मैं तो एक ही बात जानती हूँ, जैसा अन्न वैसा मन। हाँ, तुम्हारी यह बात बिल्कुल ठीक है, पर यह बात किस चीज की ओर इशारा कर रही है मैं समझी नहीं। आज हमने ज्यादा अन्न की पैदावार के चक्कर में न जाने कैसे कैसे कीटनाशकों का प्रयोग किया है। परिणाम यह है कि आज हम खतरनाक और लाइलाज बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं। आज हमारा भोजन जहर बन गया है। हाँ, अब मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ। तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा था, जैसा अन्न वैसा मन, क्योंकि जैसा हम भोजन खा रहे हैं वैसे ही हमारे विचारों की मनोदशा हो रही है। प्रिय दर्शकों, बाकी की बात समझाने के लिए आइए ले चलते हैं आपको एक ग्रामीण परिवेश में, जहां आप मिल पाएंगे भाई मोहनलाल जी के परिवार से। माँ, माँ, आप कहाँ हो माँ? अरे रामलखन, आगे बेटा तुम दोनों खेल कर। हाँ माँ, वैसे पिताजी नहीं आए अभी तक। बेटा बस आते ही होंगे। पिताजी आ गए। आ गए आप? आने में इतनी देर कैसे लगा दी? अरे भाग्यवान, आज अनाज मंडी गया था, लाला जी से हिसाब करते हुए देर हो गई। अच्छा। रामलखन, मुझे ये बताओ कि तुम दोनों की पढ़ाई कैसी चल रही है? पिताजी, पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है, बहुत कुछ नया सिखाया जाता है स्कूल में हमें। शाबाश बेटा। चलो मुझे अब ये बताओ कि तुम दोनों बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? पिताजी, मैं तो शहर जाकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां सेटअप करूंगा और अपना खुद का बिजनेस करूंगा। और लखन तुम? पिताजी, मैं तो यहीं गांव में रहकर खेती बाड़ी में आपका हाथ बटाऊंगा। बहुत अच्छे। चलो ठीक है, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जाकर आराम करता हूँ, तुम दोनों अपनी पढ़ाई करो। चलो रामलखन, चलो मेरे साथ पढ़ाई करो। माता पिता का साया उठ गया। लखन गांव में रहकर पिताजी की विरासत को संभाल रहा है, जबकि राम शहर में बस गया। चलिए देखते हैं फिलहाल राम शहर में क्या कर रहा है, क्या चल रहा है उसके जीवन में। तो चलिए चलते हैं बड़े भाई राम के घर। अरे अर्जुन तुम्हारी खांसी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हाँ पापा जी, मैं भी खांसते खांसते बहुत तंग आ गया हूँ। अर्जुन, अब तुम जाओ और आराम करो। ठीक है मम्मा। क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बताओ, कुछ ठीक नहीं है। आज अर्जुन की रिपोर्ट आई है, उसे अस्थमा है। क्या, उसे अस्थमा है? डॉक्टर ने कुछ बताया भी होगा कि अर्जुन कैसे ठीक होगा? हाँ, डॉक्टर ने बताया है कि हमें अर्जुन को एक ऐसे वातावरण में ले जाना चाहिए जहाँ पोल्यूशन ना हो बल्कि इस बीमारी का सॉल्यूशन हो। क्यों ना हम कुछ दिन अपने गांव चले? तो चलो ठीक है, गांव जाने की तैयारी करो, हम आज ही गांव जाएंगे लखन के पास। हाँ चलो गांव चलते हैं। पता नहीं लखन के जीवन में क्या चल रहा होगा, चलो देख लेते हैं। उम्मीद है कि लखन के जीवन में कुछ अच्छा चल रहा हो। अरे लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। अरे आ गए आप, क्या हुआ? आज तो आप थके हुए लग रहे हो और परेशान भी, सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है। अब तुम्हें तो पता ही है, हमने हमारे खेतों में ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया है, जिसके कारण फसलों की पैदावार धीरे धीरे कम हो रही है। दाल रोटी के भी लाले पड़ गए। कल को बेटी भी बड़ी हो जाएगी, इसका भी तो ब्याह करना होगा। क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा।
वैसे आप ही राम भैया की तरह शहर जाकर कुछ काम क्यों नहीं करते? हाँ, अब तो यही करना पड़ेगा। मैं शहर जाकर कोई काम ढूंढ लूंगा। अरे लक्ष्मी, तुम एक काम करना, दो जोड़ी कपड़े और थोड़ा खाना पैक कर देना। मैं कल सुबह ही शहर के लिए निकल जाऊंगा। ठीक है, अब आप सो जाओ, चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। ठीक है। तो देखा आपने, यहाँ भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा। दोनों भाई परेशान हैं। एक शहर में प्रदूषण के कारण बेटे की बीमारी की वजह से, तो दूसरा रसायनों के दुष्प्रभाव से फसल अच्छी न होने के कारण से। अब राम अपने परिवार के साथ पहुंच गया है गांव में अपने छोटे भाई लखन के घर। तो चलिए देखते हैं दोनों के बीच क्या बातचीत चल रही है। और बताओ भैया, शहर में सब कैसा चल रहा है? कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अर्जुन भी लंबे समय से बीमार है। क्यों, अर्जुन को क्या हो गया? डॉक्टर ने बताया है कि उसे अस्थमा है। क्या, अर्जुन को अस्थमा है? डॉक्टर ने तो यह भी बताया है कि अगर उसे पोल्यूशन से दूर किसी खुले और शुद्ध वातावरण में रखा जाए तो वह जल्दी ठीक हो सकता है। इसीलिए हम सब ने सोचा कि हम कुछ दिन तुम्हारे पास यहाँ गाँव आ जाते हैं। चलो भैया, यह तो आपने बिल्कुल सही किया। और तुम बताओ, तुम्हारी खेती बाड़ी ठीक चल रही है ना? कहाँ भैया, पहले तो फसलें खूब अच्छी हुआ करती थी, लेकिन फिर ज्यादा पैदावार के लालच में आकर मैंने खूब कीटनाशकों का छिड़काव किया, खूब रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया खेतों में, और अब हालात कुछ ऐसे हैं कि बस पूछो ही मत। हाँ भाई, मैं भी अर्जुन की बीमारी के कारण बहुत परेशान हूँ। के समय केवल भगवान ही उनका सहारा होते हैं, पर पता नहीं हमारे लिए भगवान कहाँ चुपकर बैठ गए हैं। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो, पता नहीं भगवान हमारी कब सुनेंगे। ए भगवान, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले, अर्ज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। Wow.
भाई अजमा की बहुत याद आ रही है, पता नहीं क्यों वो हमें अकेला छोड़कर चली गई। हाँ भाई, आज तो मुझे भी माँ की बहुत याद आ रही है। राम लखन, राम लखन। भाई हमें कोई पुकार रहा है। हाँ भाई, आवाज तो मुझे भी सुनाई दी। कौन है, कौन है यहाँ, कौन है, कौन बोल रहा है? बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, धरती माँ। पर धरती माँ, तुम हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? हमारे सामने क्यों नहीं आती धरती माँ? मैं धरती माँ, आज मेरे बच्चों की लालच की वजह से मेरा अस्तित्व खतरे में आ गया है, और इसीलिए मैं आज आप सभी के सामने अपनी व्यथा सुनाने आई हूँ। मैं पिछले हजारों साल से बिना रुके, बिना थके अपने पथ पर चल रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे, और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ, आपकी धरती माँ थक रही है। खेतों में इस्तेमाल किए गए रसायनों और रासायनिक खाद से पानी और हवा में जहर घुल रहा है। इन रसायनों के छिड़काव से मेरी मिट्टी वैसे ही जलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। मेरे बच्चों को तो मेरे दुख का एहसास भी नहीं, मेरी मिट्टी बंजर हो रही है, मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं। इन रसायनों से मेरा शरीर मिर्च की तरह जल रहा है, मेरे फसलों की पैदावार कम हो रही है, मैं धीरे धीरे थक रही हूँ। लेकिन मुझे याद आता है, पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती थी। मुझे आज भी याद है, आप लोग ही तो थे जो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे क्योंकि आप जानते थे कि प्राकृतिक खेती परंपरा भी है, जरूरत भी है, और फिर हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। मनुष्य धरती की गोद में रहता आया है, धरती माँ ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने अपनी धरती माँ को क्या दिया? वो जहरीले रसायन, खेतों में जरूरत से ज्यादा कीटनाशकों का प्रयोग, और तो और शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी कर दी। अपनी लालच की पूर्ति के लिए तुमने न जाने कितने हरे भरे पेड़ों को काटा होगा, लेकिन ऐसा करके तुमने स्वयं के भविष्य को ही खतरे में डाला है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा करके तुम्हें मिला क्या? न केवल प्रदूषण बल्कि लाइलाज बीमारियां। आज तुम्हारे पास सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु नहीं है, पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं है। हे मानव, ऐसे में तुम्हारा स्वस्थ रहना एक कल्पना की भांति हो गया है। मैं माटी हूँ, माँ होना मेरे नाम में बसा है, पोषण करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। करोड़ों सालों तक धरती पर सांसों की डोर आगे बढ़ाई, पेट भरा जब सबका, तभी मैंने संतुष्टि पाई। वो माँ हूँ मैं सबकी, जिसने जन्म न देकर भी जीवन संभव बनाया। अन्नदाता मेरे पुत्र किसान, तुम्ही ने तो इसमें मेरा साथ निभाया, दिन रात सींच पसीने से मुझको हर मुंह तक रोटी पहुंचाई। जब तुमने माथे मुझे लगाया, मैं हरियाली बनके मुस्काई। याद रखना, मिट्टी बंजर होने से किसी एक देश, एक द्वीप, एक समाज या एक धर्म का नुकसान नहीं है, बल्कि सभी का है, क्योंकि सभी आपस में बंधे हुए हैं। धरती की श्रृंखला टूटी, माला टूटी, सब बिखर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। धरती
जो चूले मुझको प्यार से धरती कहे